मम्मी और डैडी पापा मम्मी, और ये इनका प्यारा सा बच्चा है पप्पू। पप्पू बड़ा शरारती है, स्कूल के नाम पर बहानेबाजी करता, टीचर का कहना नहीं मानता, खाना खाने से पहले शौच के बाद ढंग से साबुन से हाथ नहीं धोता। ऐसे बच्चे को पूरा कूड़ेदान में नहीं डालता, ऐसे बच्चे को ठीक लाइन पर लाने के लिए डैडी मम्मी ने योजना बनाई कि चलो आज वार्ड नंबर 37 में जादू का प्रोग्राम। बच्चा बोला फिर तो हम भी जाएंगे, पर डैडी मम्मी ने बच्चे को छोड़ दिया रोते हुए। डैडी मम्मी मॉडर्न स्टाइल में ऐसे हाथ में हाथ मिलाकर यहाँ पर आ गए जादू का प्रोग्राम देखने, और ये यहाँ पर इस तरह से बैठ गए। देखिएगा, अब आपकी समझ में आ गया होगा इसमें एक माँ है और एक पिता है। भाई इसमें कौन सी माँ और कौन सा पिता है, आप लोग तो वैसे ही समझदार है जी, जान गए होंगे। आजकल की माँ थोड़ी टाइट होती ना, कड़क बेटी तनतनी, बेचारा बाप जी बेटा झुका बोटा। हर घर में पिता की ऐसी हालत होती, पर कहानी यूं खत्म नहीं हो गई। बच्चा घर पर रो जा रहा था, तो इसके मुकद्दर से एक जादूगर उधर से निकला और रोते बच्चे से पूछा, बेटा। बच्चा बोला, हमें डैडी मम्मी के पास पहुंचाते। तो जादूगर ने उठाया थैला और एक बच्चे को बुलाया, बेटा जरा इसको दिखाना, उल्टा करके खा लिए दिखाओ। हाँ जी दिखाओ, इसे उल्टा करके खा लिए। बस पप्पू को हाथ में पकड़ ले, पप्पू को थैले में छोड़ दे, ऊपर से हाथ लगा ले, एक हाथ और लगाए अपना, एक हाथ और लगाए अपना। अच्छा दो ही हाथ है, कहाँ रहते हैं? अच्छा इस साइड में तो होती दो हाथ है, कोई बात नहीं, मंत्र लगा दे। बोले गिली गिली, देख रहे इसमें है पप्पू, उल्टा करके दिखाए सबको, कहाँ गया? ना पप्पू खोया है ना भागा है, जादूगर के जादू से पप्पू डैडी मम्मी के पास उंगलियां पकड़े। अगर मैजिक शो देख रहा हो तो तालियों से करना स्वागत। बोला गिली गिली, एक सेकंड में पप्पू डैडी। सभी बच्चों को रोज स्कूल जाना चाहिए, टीचर का कहना मानना चाहिए, पढ़ाई का काम पूरा करना चाहिए, खाना खाने से पहले शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, और भैया कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं। और गीला कूड़ा अलग रखे, सूखा अलग रखे। इसके लिए मैंने दो डब्बे आपको दिखा रहा हूँ, हरे वाले में गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा नीले वाले। अगर गीला कूड़ा आप हरे वाले में डालते हैं, गीले कूड़े से निगम खाद बनाएगा, खाद पेड़ों को पोषित करेगी और पेड़ हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देगा।